केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीएए पर भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, सभी भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता का प्रमाण मिले और देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले। इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया। गुना में कांग्रेस के प्रत्याशी होल्ड करने पर सिंधिया ने कहा कि हर पार्टी की नीति और रणनीति तय होती है, कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी की घोषणा करेगी। सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में लड़ाई में उतरने का। मैं कोई द्वेष भावना दिल में नहीं रखता। वहीं दिग्विजय सिंह के सामने चुनावी मैदान में आने का सवाल सुनकर सिंधिया धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ गए। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता का प्रमाण मिले, यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई है। अब मैं किसी के जिसने कहा है मैं अपना पथ और अपना लकीर खींचता हूँ और आप लोग जानते हो। अरे भाई, वो हर पार्टी की नीति तय होती है, रणनीति तय होती है। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में लड़ाई में उतरने का। मैं कोई द्वेष भावना अपने दिल में नहीं रखता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।